हेलो एवरीवन, आई एम मुस्कान। आज हम डिस्कस करेंगे मशरूम के बारे में। आज हम देखेंगे कि मशरूम का स्ट्रक्चर, उसके जनरल इंट्रोडक्शन और उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू और टाइप्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि मशरूम क्या होता है। मशरूम जो है वो फंगस की फ्रूटिंग बॉडी होती है, जो कि फ्लैशी और स्पोर बियरिंग होती है। ये सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ये मशरूम का स्ट्रक्चर है। इस पोर्शन को स्टॉल कहते हैं और ये पोर्शन जो है वो कैप कहलाता है। वैसे तो फंगस के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि मोल्ड हो गया, क्रस्ट के फॉर्म में होते हैं, बट ये वाला जो पार्ट है इसे फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं फंगस की, जो कि मशरूम होता है, जिसे हम एज अ फूड भी लेते हैं। और कुछ मशरूम ऐसे भी होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जो कि डिजीज कॉज कर सकते हैं अगर उन्हें बिना जानकारी के ले लिया गया ह्यूमन के द्वारा या किसी एनिमल के द्वारा, तो उन्हें डिजीज हो सकता है, जो कि बहुत डेंजरस होता है। तो बहुत सारे टाइप के मशरूम प्रेजेंट होते हैं। कुछ बहुत अच्छे होते हैं जिन्हें हम अपने लाइफ में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जिन्हें यूज नहीं कर सकते हैं। और ये जो मशरूम है वो कुछ कुछ प्लांट की तरह ही होते हैं, बट थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जैसे क्या होता है कि प्लांट में, जैसे सबको पता है कि प्लांट में के लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फूड का प्रोडक्शन करता है प्लांट के लिए। और मशरूम में क्या होता है कि ये कुछ फाइबर्स यूज करते हैं जिन्हें कि हाइफी कहते हैं, फूड के लिए, फूड बनाने के लिए कुछ फाइबर्स यूज करते हैं जिन्हें हाइफी कहा जाता है। और इन हाइफी का जो ग्रुप होता है ना, उन्हें माइसीलियम कहते हैं। और ये माइसीलियम ग्राउंड के नीचे प्रेजेंट होता है, सॉइल के नीचे प्रेजेंट होता है। ये फ्रूटिंग बॉडी जो है वो सॉइल के ऊपर प्रेजेंट होता है। जैसा कि प्लांट की जो जड़ें होती हैं ना, जो रूट्स होते हैं प्लांट के, उसी तरीके से ये इनके जो माइसीलियम होते हैं वो भी रूट की तरह ही ग्राउंड के नीचे स्प्रेड होते हैं। ये हो गया आपका मशरूम का जनरल इंट्रोडक्शन। एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि मशरूम को फंगस के बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप में रखा गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं मशरूम कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ मशरूम, मशरूम में सबसे फर्स्ट है हमारा व्हाइट बटन मशरूम। व्हाइट बटन मशरूम को बहुत ही पॉपुलर मशरूम है और इसे एज अ फूड हम यूज करते हैं। आज के डेट में ये जो मशरूम है वो इंडिया में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कराया जा रहा है और इन्हें मार्केट में सेल किया जा रहा है। और यूनाइटेड स्टेट में भी इन मशरूम को 90% कंज्यूम किया जाता है। वैसे ही इंडिया में भी इसका कंज्यूम करने का जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा अब बढ़ती जा रही है। और मशरूम प्रोडक्शन जो एक बिजनेस है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्रिमिनिस मशरूम। ये व्हाइट बटन मशरूम की तरह ही शेप में होता है, बट ये ब्राउन कलर का होता है। और ये जो क्रिमिनिस मशरूम है वो व्हाइट बटन मशरूम से सिमिलर ही होते हैं, बट लाइट टैन रिच ब्राउन कैप इसमें प्रेजेंट होता है और ये फर्मर टेक्सचर के होते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा पोर्टेबल मशरूम। पोर्टेबल मशरूम जो है वो क्रिमिनिस मशरूम का लार्जर रिलेटिव होता है। और ये पोर्टेबल मशरूम्स जो होते हैं वो भी ब्राउन कलर के ही होते हैं, बट इनका कैप जो है वो क्रिमिनिस मशरूम से थोड़ा डिफरेंट होता है। और इन्हें, इनका जो कैप है वो थोड़ा टैन होता है और 6 इंच का होता है डायमीटर में। और
नेक्स्ट है हमारा शीटेक मशरूम। शीटेक मशरूम जो है वो डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, ब्रॉड अम्ब्रेला शेप्ड इसका कैप होता है और इनके जो बेल्स होते हैं वो ओपन होते हैं। 10 गिल्स के साथ इनके जो स्टेम है वो कर्व्ड शेप के होते हैं, जिसे कि रिमूव किया जा सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे और भी मशरूम प्रेजेंट है, जैसे ऑयस्टर हो गए। ऑयस्टर मशरूम और बटन मशरूम जो है वो बेसिकली इंडिया में कंज्यूम किया जाता है। ऑयस्टर जो है वो ग्रे कलर के भी हो सकते हैं, पैल येलो, इवन ये ब्लू कलर के भी पाए जाते हैं, और इनका जो टेक्सचर होता है वो वेलवेटी होता है। नेक्स्ट है हमारा इनोकी मशरूम। ये इनोकी मशरूम जो है वो टिनी होते हैं, बटन शेप्ड के इनके कैप्स प्रेजेंट होते हैं और इनके जो स्टेम होते हैं आप देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा लॉन्ग होते हैं अदर मशरूम के कंपेयर में। एंड नेक्स्ट है बीच। ये जो मशरूम है ये पिटाइट होते हैं, व्हाइट कलर के इनके कैप्स प्रेजेंट होते हैं और ये इनोकी मशरूम की तरह ही होते हैं। इनके भी स्टेम जो हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं और ये ऐसे ग्रुप्स में गुच्छे के रूप में प्रेजेंट होते हैं। एंड मिटिक मशरूम। मिटिक मशरूम जो है वो वुड ईयर मशरूम की तरह ही होते हैं। जो वुड ईयर मशरूम है वो वुड में ग्रो करते हैं, ये फैन शेप्ड के होते हैं और इनमें कैप प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि मशरूम के का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक जनरल स्ट्रक्चर मशरूम का। ये तो हमने बहुत सारे टाइप के मशरूम देख लिए, अब देखते हैं कि जनरल स्ट्रक्चर कैसा होगा मशरूम का। स्ट्रक्चर ऑफ मशरूम, ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर है मशरूम का, जिसमें कैप प्रेजेंट है, स्केल्स है, गिल्स है, रिंग है, स्टॉल्क है, वॉल्वा है, स्पोर्स एंड माइसीलियम और हाइफी प्रेजेंट है। अब देख लेते हैं इन्हें डिटेल में कि ये क्या होते हैं। आगे देखते हैं स्पोर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं ये गिल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये जो स्पोर्स है वो माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स होते हैं, जिन्हें माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है, इसे अपने नेकेड आइज में देखना पॉसिबल नहीं है। ओके, और ये एज अ रिप्रोडक्टिव एजेंट वर्क करते हैं ये स्पोर्स, और ये यूजुअली एयर के थ्रू रिलीज होते हैं और फिर सबस्ट्रेट में आकर के गिरते हैं और फिर एक नया मशरूम प्रोड्यूस करते हैं। इन स्पोर्स के थ्रू ही फिर बहुत सारे मशरूम जो हैं वो एक मशरूम के आसपास में ग्रो हो जाते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा स्टेम। स्टेम या फिर स्टॉल्क, ये है स्टेम, इसे स्टॉल्क भी कहा जाता है, जो कि हमारे मशरूम के कैप को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट इज गिल्स। गिल्स जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं गिल्स में, तो ये जो गिल्स है वो फर्टाइल स्पोर को कंटेन करके रखता है, इन्हीं स्पोर्स को, जो कि कैप के नीचे प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट इज माइसीलियम। माइसीलियम हम लोगों ने पहले भी देखा कि माइसीलियम क्या है, हाइफी का ग्रुप होता है और ये जो माइसीलियम है वो स्पोर जर्मिनेशन के थ्रू क्रिएट होते हैं और फिर ये जो मशरूम जो डेवलप हो रहा है उनके ग्राउंड पार्ट में डेवलप होते हैं ये, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा कि यहाँ पे माइसीलियम जो है वो ग्राउंड के नीचे प्रेजेंट होते हैं और ये जो है ये हाइफी है जो कि माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोप में इसे देखा जा सकता है। ये जो हाइफी है इसमें माइक्रोस्कोपिक फिलामेंट्स प्रेजेंट होता है जैसे कि मैंने अभी बताया, और ये वाइट कलर के दिखाई देते हैं। और इसके अलावा मशरूम को, मशरूम के डेवलपमेंट में ये हाइफी जो है वो वाटर और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इन्हीं के थ्रू मशरूम के पार्ट में
जाता है और मशरूम का डेवलपमेंट होता है। देन नेक्स्ट है हमारा वॉल्वा। वॉल्वा में क्या होता है, ये एक टाइप का मेम्ब्रेन का अवशेष कह सकते हैं आप इसको, एक मेम्ब्रेन का अवशेष होता है जिसमें इमैच्योर मशरूम जो है वो कवर्ड होते हैं, और जब स्टेम ग्रो होता है और ये रप्चर हो जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है वॉल्वा, ये वॉल्वा है। ये जो वॉल्वा है ये एक टाइप का मेम्ब्रेन है और इसके अंदर इमैच्योर मशरूम प्रेजेंट होता है, और जब ये स्टेम ऐसे बड़े होते जाते हैं बढ़ते जाते हैं तब यहाँ पे एक मैच्योर मशरूम कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है, एक मैच्योर मशरूम का प्रोडक्शन हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा रिंग। रिंग जो है वो कैप के नीचे प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा रिंग, ये एक टाइप का मेम्ब्रेन है जो कैप के नीचे प्रेजेंट होता है। और पहले तो ये क्या होता है कि कैप को कवर किए हुए होता है, जब मशरूम का डेवलपमेंट होता रहता है तब ये कैप को कवर किए हुए रहते हैं, और फिर जैसे जैसे मशरूम का प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ता जाता है, जब ये और ज़्यादा मैच्योर होते जाते हैं तो ये एक पतली झिल्ली जो होती है वो फट जाती है, और फटने के बाद क्या होता है कि ये यहाँ पे स्टॉल्क से आकर के जुड़ जाती है, इसे ही हम रिंग कहते हैं। और ये हमारा हो गया कैप। एंड नेक्स्ट है हमारा कैप। कैप जो कि कलर्ड शेप्ड होता है, राउंड शेप्ड का थोड़ा डिफरेंट शेप है इसका, जो कि कलर्ड होता है। जो कि मशरूम के गिल्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। अब हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है मशरूम का, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मशरूम। मशरूम में बहुत सारी कैलोरीज प्रेजेंट होती है, फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं हाई अमाउंट में। इसके अलावा ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट विटामिन्स और मिनरल्स को भी कंटेन करके रखते हैं, और इनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा ये जो मशरूम होते हैं वो प्रोटीन के एक्सीलेंट सोर्स होते हैं, और कुछ रीजन में ये वेजिटेबल मीट के रूप में लिए जाते हैं। मींस ऐसा भी कहते हैं कि ये मशरूम जो है वो एक टाइप का वेजिटेबल मीट है जो कि प्रोटीन, हाई प्रोटीन कंटेन करके रखता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन कंटेन करके रखता है, और ये बहुत सारे एमिनो एसिड को कंटेन करके रखता है जो कि ह्यूमंस के लिए नेसेसरी होते हैं। न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मशरूम में अब देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में कि इनमें जो प्रोटीन होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, 20-30% ऑफ ड्राई वेट में, और इनमें फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को लो करने में हेल्प करते हैं, और इसके साथ ही ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनमें विटामिन डी प्रेजेंट होता है जो कि एसेंशियल होता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, और साथ ही इसमें कॉपर भी प्रेजेंट होता है जो कि बॉडी को ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए और रेड ब्लड सेल्स को क्रिएट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और इसके साथ पोटेशियम इसमें प्रेजेंट होता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए, और इनमें बहुत सारी फंक्शनिंग सेल को सेल के फंक्शन के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। तो हमारा जो मशरूम है जिन्हें हम एज अ फूड यूज करते हैं उनमें इतनी सारी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मशरूम का प्रोडक्शन कैसे कराया जाता है। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।